वेट लॉस होने के बाद क्या है कि स्किन ना काफी लूज हो जाती है, ये देखिए ना थोड़ी, और आपकी हर एक की इंडिविजुअल टेंडेंसी है। तो अभी हम ये जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका बैक से, ओके। सो ये फ्लैंक्स करेंगे पहले, यानी पूरा लोअर बैक जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। फ्रंट में आइए, देन हम फ्रंट में जो है आपका मेन नी क्या है कि ये लोअर एब्डोमेन ये पूरा डिफाइन करेंगे, ये फ्लैंक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे पंचर रोल आएगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकंड जो है अभी हम इसको आपको ये क्या मेन ये है कि अपने फैट 140 से अपने कितना के 145 से नाउ 88 सो अराउंड मोर देन 50 केजी इन हाउ मच टाइम सर? टुक अबाउट 2 इयर्स। ओके, मींस बट इट इज रिमार्केबल लॉस बेसिकली बाय नेचुरल रीजन। सो मसल यू हैव गुड मसल्स इन द चेस्ट एज वेल, ओके। हाँ, लेकिन अभी ये क्या है कि ये जो है ना ये बहुत अलग दिखाई देता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये ग्लैंड ग्लैंड बचा आपका, फैट बहुत कम ही है, ठीक है। सो हम इसमें बेसिकली जो है ना ये ग्लैंड्स निकाल देंगे इसका, तो ये अभी जो ऐसे ही ये लूज है बेसिकली और ऐसे हैंग कर रहा है, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड इसके जो एब्स हैं हमने मार्क किए हैं और जितना भी पॉसिबल होगा इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेन क्या है कि पूरा आपको स्कल्प कर देंगे आपका चेस्ट एंड ये एब्डोमेन। सो अपने वेट लॉस करने के बाद जो भी अभी रेजिस्टेंट बचा है तो ये आपका स्टबन फैट बचा है, ठीक है। सो ये स्टबन फैट को हम निकाल देंगे, ठीक है। सो ये प्रोसीजर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको ये गायनेकोमास्टी का और ये कब से आपको था ये प्रॉब्लम चेस्ट का? सर, ये जब मैंने वेट लॉस किया था आफ्टर कॉलेज, सो इट्स बीन अबाउट 8 इयर्स बैक। I knew it, but मैं इसको पोस्टपोन करा था, मेरे को था। अच्छा, you thought कि you can do by natural? I'll do it. तो क्या कंक्लूजन निकला आपका? सर, कंक्लूजन 8 इयर्स में सर फिर लगी बात, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। सर फ्रेंड में फिर आपकी मैंने सारा नहीं, 8 इयर्स में आपने कम किया तो क्या कंक्लूड क्या किया कि ये जाएगा इससे? नहीं जाएगा। मैंने जिम में सर फैट बर्नर्स भी एक बार ट्राई किए, बीच में आई गॉट लीन टू अबाउट 71 kg, इतना भी लीन हो गया, बट ये चीज इतना मैं ऑस्टली मोड़ा था, ये चीज और ज्यादा बार दिखती थी। ये नहीं, ये क्या है कि ये ग्लैंड्स हैं बेसिकली ना, तो ये नहीं जाएगा, तो वो बेसिक्स है। और ये क्या है कि ये मतलब मैं बोलता नहीं, ये फैक्ट है, मतलब मेरे बोलने से नहीं होता है, ये फैक्ट है। अभी जैसे आपका 8 इयर्स से आपने ट्राई किया, आपने 150 से 71 किया, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा आपने लॉस किया, तो भी नहीं हुआ, तो उससे ज्यादा तो क्या होगा, ठीक है। तो इससे बड़ा तो एग्जांपल मिलेगा ही नहीं। सो इसमें बेसिकली वही है कि ग्लैंड रहते हैं, अभी जो फैट बचा है वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे आपका लोअर में बचा है फैट है, ये जितना भी हम ये पकड़ पा रहे होल्ड कर पा रहे हैं वो फैट है, ठीक है। तो ये पूरा हम निकाल देंगे तो ये पूरा स्लिम हो जाएगा। और मेन क्या है कि अभी आपका चेस्ट ही बहुत ज्यादा मतलब लूज है और बहुत बल्की है, ये ग्लैंड की वजह से ना बहुत अजीब दिखता है, ठीक है। सो ये निकाल देंगे तो ये प्रॉपर शेप है। हाँ, तो ये पूरा आपका चेस्ट और एब्डोमेन पूरा स्कल्प हो जाएगा। लोअर बैक से हम स्टार्ट करेंगे।